ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी भंडारा की, जहां ताडोबा जंगल का राजा इन दिनों फिर दिखाई दे रहा है। साथ ही बात होगी कानपुर की, जहां औद्योगिक क्षेत्र रनिया में आग का तांडव देखने को मिला। और बताएंगे कैसे रीवा में विंध्य अस्पताल की डॉक्टर सोनपाल जिंदल ने रीवा में पहली बार लकवाग्रस्त मरीज को एक बार फिर से नया जीवन दान दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। ताडोबा जंगल के राजा छोटा मटका, जो ताडोबा जंगल पर अपना आधिपत्य सुरक्षित करने के लिए चल रही क्षेत्रीय लड़ाई में घायल हो गए थे, अब 3 से 4 महीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए और एक बार फिर उन्होंने पर्यटकों को एक दुर्लभ दर्शन दिया, क्योंकि ये जंगलों में घूम रहे थे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। छोटा मटका ताडोबा जंगल का राजा, जो ताडोबा जंगल पर अपना प्रभुत्व सुरक्षित करने के लिए चल रही क्षेत्रीय लड़ाई में घायल हो गया था, वह अब ठीक हो चुका है। छोटा मटका की एक झलक पाने के लिए भारत और दुनिया भर से पर्यटक उमड़ रहे हैं। भंडारा से सीनियर संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के रुइया पंचायत के दलीपुर गांव के पास पराली जलाने के दौरान गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की मशीन सहित भूसा जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग आग को बुझाने में लगी हुई है। गोदाम के मालिक दरौली निवासी अर्जुन सिंह ने क्या बताया, सुनिए। रात में हम लोग को सूचना मिली है, दलीपुर गांव है, यहां से हम लोग 1 बजे के आसपास यहां पे आ गए हैं, आग बुता रहे हैं। 1 बजे रात से ही आग बुता रहे हैं। क्या कुछ सामान इसमें था, कितना का लगभग नुकसान हुआ है? इसमें लगभग मालिक के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 7 लाख का भूसा है और ईटा बनाने वाली मशीन है, लगभग भूसा के अंदर में उसमें 220 लीटर फ्यूल भी भरा हुआ है मशीन। अभी क्या आग की स्थिति है? आग पे लगभग हम लोग अभी तक काबू पा लिए हैं। तो ये हमारे बगल में परसों रोज ये अपना खेत, इनको हम मना किए और ये नहीं माने, फूंक दिए। उसके बाद हम आए तो परसों रोज ऊपर से उड़कर चिंगारी भूसे में आग लगा, उसको हम लोग बुताए तो उस समय तो बुत गया, लेकिन फिर कल दिन भर उस दिन रात भर हम लोग देखे और फिर आज 1 बजे रात को हमको सूचना मिली। यहाँ के लोग जो डेरा पे थे, हम घर पे थे, तो फोन किए, आए तो आग जलने लगा, तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए और इसमें हमारा 25 लाख का भूसा ईटा बनाने वाली मशीन थी, इसी में रखे थे और उसको तिरपाल से बांध कर उसी में भूसा भरे थे। 10 लाख का भूसा है करीब, और ये जो शेड है सब जल रहा है। और क्या कुछ नुकसान हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए? और यही शेड फेड जो है सब तरह। अभी क्या कंडीशन है? अभी अभी आग जल रहा है, अभी आग जल रहा है, देखिए ना। क्या नाम पड़ेगा आपका? जल रहा है गाँव। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र रनिया में आग का तांडव। गोल्डी मसाले के रैपर बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा। आग से फैक्ट्री कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। रनिया थाना क्षेत्र के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में बनी गोल्डी फैक्ट्री का यह मामला बताया जा रहा है। थाना रनिया के एक्यूमेन फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा व फायर विभाग के कर्मियों द्वारा पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना पाया जा रहा है। मौके पर दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। किसी प्रकार की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। परशुराम मार्केट टीम द्वारा आज भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत व ठंडा पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। मंगलवार दोपहर परशुराम मार्केट टीम द्वारा परशुराम मार्केट में शिविर लगाकर राहगीरों को शरबत पिलाया। हजारों की संख्या में लोगों ने शरबत व ठंडा पानी पीकर लोगों ने खूब सराहना की। ये कार्यक्रम परशुराम मार्केट करेला बाजार के समस्त सदस्यों के साथ भव्य रूप से आयोजित किया गया। सड़क से गुजर रहे लोगों को रोककर शरबत पिलाया गया। इस मौके पर लाल बहादुर चतुर्वेदी, गोकरण पांडे, नाना पांडे, आशीष तिवारी उर्फ विनू, विनोद तिवारी, संजय तिवारी, लालमन शुक्ला, गोपाल तिवारी आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। आखिर लोगों ने सच ही कहा कि डॉक्टर धरती के भगवान माने जाते हैं, यही कुछ रीवा के विंध्य अस्पताल में हुआ।
गांव बहुरी बंद रीवा से लकवाग्रस्त अनिल कुमार श्रीवास्तव उम्र 65 वर्षीय कोपविंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद न्यूरोसर्जन डॉक्टर सोनपाल जिंदल ने परिजनों को तुरंत सिटी स्कैन करने की सलाह दी। सिटी स्कैन रिपोर्ट आने के तुरंत बाद डॉक्टर ने परिजनों की सहमति से थ्रेम्बोलाइसिस टेक्निटिस इंजेक्शन देकर अनिल कुमार श्रीवास्तव को 24 घंटे के अंदर फिर से सामान्य तरीके से बोलने चलने लगा। बहुरी बंद जिला रीवा का रहने वाला 65 वर्षीय अनिल कुमार श्रीवास्तव को शनिवार दोपहर करीब 3 बजे शरीर का दाएं हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। बोलने में आवाज लड़खड़ा रही थी। लकवाग्रस्त होने के बाद भी उसके आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। लकवाग्रस्त होने के 4.5 घंटे के अंदर दिया जा सकता है उपचार। आपको बता दें कि न्यूरोसर्जन डॉक्टर सोनपाल जिंदल ने बताया कि तीव्र स्ट्रोक या लकवा किसी भी उम्र में हो सकता है। ये 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है। सुनिए ये पूरी रिपोर्ट। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद मरीज एवं उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता से। श्रीवास्तव जी, आपको लकवा की शिकायत थी जी सर, तो यहाँ विंध्य अस्पताल में आप आए हैं, कैसा इलाज हुआ आपका? बहुत बढ़िया इलाज हुआ सर जी। डॉक्टर साहब जिंदल सर थे जी जी, उनका ट्रीटमेंट चला मेरा, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, ईश्वर की कृपा, मैं तो ईश्वर ही मानता हूँ उनको जी जी। बोलने लायक बना दिया मेरे को उन्होंने जी जी। मेरी तो जवान लड़खड़ा थी जब मैं आया था जी, जवान लड़खड़ा रही थी एकदम जी जी। मैं तो उन पर भगवान से यही ईश्वर करता हूँ कि ईश्वर खूब दुआएं दे उनको जी जी। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है जी, ग्राम पोस्ट बावरी बांध जिला रीवा। इसके पूर्व भी मेरे मिसेज की तबीयत अस्वस्थ हो गई थी बहुत, उनकी भी बहुत तबीयत खराब हो गई, लेके आए थे यहीं दिखाए थे विंध्य, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बड़ा अच्छा अस्पताल लगा हमको जी जी। और यहाँ का स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है और बड़ा दिन रात मेहनत कर करके यहाँ सारी सेवा, कोई कुछ नहीं करना पड़ता हमको तो जी जी। हाँ सारी सेवा, सब कपड़े पहनाना, पहुँचना, खाने खिलाना, सब बाथरूम, माने ऐसा लगते ही नहीं है कि हम घर से बाहर हैं जी जी। हाँ हमारे अटेंडेंट रहें चाहे न रहें, आपको सारी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है जी सर। इस अस्पताल के लिए तो मैं चाहूँगा कि दिन प्रतिदिन उन्नति करें यह हॉस्पिटल जी। थैंक यू। आपके पिताजी को शनिवार को लकवा की शिकायत हुई थी जी, क्या कैसा था, कहाँ लेके आए थे? क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे जी, तो मैं 2 मिनट के लिए अंदर गया जी, जी। मैं बाहर आया तो पापा अचानक से बोले कि मेरे का हाथ और थोड़ा सा जी, उनकी जो जुबान थी लड़खड़ा रही थी जी जी। तो हमें लगा शायद थोड़ी सी शिकायत है पैरालिसिस की जी जी। तो हम लोग देर नहीं किए, मम्मी को बुलाया, मम्मी बोली चलते हैं अपन विंध्या में दिखा देंगे जी जी। तो हम विंध्या हॉस्पिटल आए और यहाँ पे सर लोग थे, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, तुरंत तत्काल सर को बुलाया गया, सोनल सर, जिंदल सर को जी। और जिंदल सर आए और उन्होंने देखा तो बोले सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा क्योंकि लकवे 2 तरीके के होते हैं जी जी। तो हम बोले ठीक है सर, उसको आप करवा लीजिए। तो वो तुरंत सिटी स्कैन हुआ और उसमें थोड़ी सी जो भी माइनर सर हुआ सर ने बताया, तो उसके लिए बोले सर एक इंजेक्शन आएगा, वो करीबन 35 से 40 हज़ार के आसपास आएगा, तो उसको अगर आप 3 घंटे के अंदर लगवा लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, अगर उसके बाद लगवाएंगे तो चांसेस कम है कि कुछ रिकवर होगा। तो हमने बोला ठीक है सर, अगर सही है तो आप बोलिए तो लगवा लेते हैं। तो सर ने बोला बिल्कुल आप लगवाइए। तो हमने बिना देरी किए उसको लगवाया और रिजल्ट आज आपके सामने, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ उस इंजेक्शन से और सर ने भी काफ़ी अच्छा अपना टाइम दिया और उन्होंने अच्छे से देखा, तो इलाज भी बेटर हुआ उनकी तरफ से। क्या कहना चाहेंगे विंध्य अस्पताल के स्टाफ को? विंध्य अस्पताल के जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा था, मतलब टाइमिंग, मतलब जैसे मैं लाया सब लोग एकदम से इन्हीं पे फोकस किया और पूरा, मतलब जब तक एकदम से ये ठीक नहीं था तब तक इन्हीं पे ही फोकस रहा उनका पूरा काम, अच्छे से देखना रेखना, ICU में लेकर वहाँ पूरी देखभाल, हम लोग को मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सब यहाँ के स्टाफ और नर्स लोग थे वही सब हैंडल किए। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।